हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक और नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। पिछला व्लॉग अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा हम लोग आए थे बनलेखी, एक छोटी सी जगह है नियर नैनीताल, बट उतना क्राउडेड नहीं है। और मेरा सुबह कुछ ऐसा है, देखो ये रहा यहाँ का मॉर्निंग व्यूज़। कल रात भर बारिश हुई है यहाँ पर, तो थोड़ा सा क्लाउडी है अभी, बट हवा इतना मस्त चल रहा है कि क्या बताऊँ आप लोगों को। अब मैं हो गया हूँ थोड़ा सा लेट, क्योंकि हम लोग सुबह डिसाइड किए थे कि 9 बजे निकल जाएंगे कैंची धाम के लिए। कैंची धाम आप लोगों को पता ही होगा, जहाँ पर नीम करौली बाबा का आश्रम है। हम लोगों का प्लान ये है कि आज उधर जाएंगे, आश्रम में थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे और फिर वापस इसी कॉटेज में आके दिन पूरा जो बाकी दिन बचता है वो स्पेंड करेंगे। शांतनु, थोड़ा मेरा जो यूट्यूब सब्सक्राइबर्स है, दर्शक है, जो ये वीडियो के थ्रू हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, उनके लिए बता दे बाबा नीम करौली के बारे में, कैंची धाम के बारे में। तो पहले मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ कि बाबा नीम करौली, जिनको महाराज जी भी बोलते हैं, उनका नाम नीम करौली से कैसे फेमस हुआ। तो जो जैसा कि बुक में लिखा हुआ है मिराकल ऑफ लव, उसमें बाबा नीम करौली एक समय एक फर्स्ट क्लास ट्रेन में बैठ करके फर्स्ट क्लास में आ रहे थे, बट उनके पास टिकट नहीं था और उनको थोड़ा दूरी जाना था, लेकिन टीटी ने आकर के उनको उतार दिया। और बाबा ने उनको बोला कि अब मुझे थोड़ा ही दूर जाना है, अब क्यों उतार रहे हो मुझे, और अगर ऐसा है तो ट्रेन चला के दिखाओ। और उसके बाद जब वो लोग कोशिश करते रह गए, किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन ट्रेन चली नहीं। फिर किसी ने बताया टीटी को कि तुमने एक सेंट का अपमान किया है। तो फिर उसने, टीटी ने आकर के इनसे माफी मांगी और फिर इनको क्षमा मांगा और फिर उनको बोला कि आप आइए प्लीज ट्रेन में बैठिए। जैसे ही वो बाबा ट्रेन में बैठे और ट्रेन चल पड़ी, तो उस समय से फिर बाबा का नाम बाबा नीम करौली से काफी फेमस हो गया और वो नीम करौली का एक स्टेशन भी है। उसके बाद जो कैंची धाम का है, जहां तक मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से बाबा नीम करौली का बेस यहीं पे था। तो कैंची धाम इसलिए है क्योंकि वो कैंची शेप में दो पहाड़ों के बीच में उनका आश्रम है, तो इसीलिए उसका नाम कैंची धाम है। लोग कहते हैं वहां पे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, जो कल हम लोगों ने भी महसूस किया। और ये है कि बाबा नीम करौली का जो वो जो महत्व है, वो सिर्फ यहाँ पे नहीं बट इंटरनेशनली भी काफी लोग फॉलोअर्स हैं उनके। इंटरनेशनल पर्सनालिटीज है स्टीव जॉब, जूलिया रॉबर्ट। जूलिया रॉबर्ट्स कहती हैं कि उन्होंने हिंदुइज्म एक्सेप्ट ही किया है बिकॉज ऑफ नीम करौली बाबा। जो रामदास है वो कहते हैं उन्होंने बस एक बार इनका फोटो देखा था और उस फोटो से वो खींचे 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 यहाँ तक चले आए, सिर्फ फोटो से। फिर अभी हाल फिलहाल में मैंने सुना कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी आए थे यहाँ पे, तो उस तरह से काफी फेमस लोग भी काफी मानते हैं इनमें। और देखो एट द एंड ऑफ द डे तो सब चीज बिलीफ है और हम लोगों ने वो पॉजिटिविटी फेस किया ही है, कल फील किया है हमने, तो उस हिसाब से आई एम श्योर कि कोई भी यहाँ पे आएगा तो पॉजिटिव ही फील करेगा और उसकी मन की मुराद जो है पूरी होगी। क्या मौसम हो गया देखो दोस्तों, बहुत बिजली कड़क रही है यहाँ पर और खतरनाक बारिश होने वाला है, लग रहा है पूरा क्लाउडी है एकदम। हम लोग एकदम टाइम पे नीचे आ गए, बारिश चालू हो जाता ना तो नीचे हाइक करके गाड़ी तक आने में हालत ख़राब हो जाती। और यहाँ पर चल रहा है हल्का फुल्का फोटो सेशन और यहाँ से 30-35 किलोमीटर है अपना कैंची धाम। अब देखो पहाड़ों का मौसम का ना कुछ अता पता नहीं होता है। अभी 10-5 मिनट पहले तक इतना झमाझम बारिश हो रही थी यहाँ पर कि हम लोगों को लग रहा था कि पता नहीं जब पहुँचेंगे उधर उतरेंगे कैसे, कैंची धाम का मंदिर में जो है उधर जाएंगे कैसे। और अब देखो बिल्कुल धूप आ चुका है, तो विच इज़ अ गुड न्यूज़, क्योंकि उधर जाके फिर हम लोग को भीगना नहीं पड़ेगा। यहाँ से कैंची धाम रह गया है और 12-13 किलोमीटर, तो हम लोग पहुँच तो गए कैंची धाम। देखो एग्जैक्ट 11 हो रहा है, तो 1.5 घंटे लग गए हम लोग को, बट यहाँ पर पार्किंग का तो इशू है थोड़ा सा, एंड विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस क्योंकि आज संडे है तो काफ़ी लोग आए हुए हैं हम लोग जैसा विजिट करने के लिए। अब वही ढूंढ रहे पार्किंग, पार्किंग जहाँ मिल जाएगा। देखो राइट साइड में देखो पूरा गाड़ियाँ लाइन से लगे हुए जहाँ तक दिख रहा है, देखता हूँ जैसी पार्किंग मिलता है गाड़ी लगाना पड़ेगा। तो फाइनली पार्किंग मिल चुका है हम लोगों को, मैंने इधर इस तरफ कहीं पर खड़ी कर दिया है। वैसे देखो डेजिग्नेटेड पार्किंग तो है, बट क्योंकि आज वीकेंड है और भीड़ ज़्यादा है तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ। अब चलते हैं मंदिर के अंदर। तो ये रहा मेन मंदिर कैंची धाम का, लाइन देखो कितना लंबा है, यहाँ पर काफ़ी भीड़ है आज। तो शांति लोग तो पहले ही चला गया कहीं पर,
आगे वहीं पर कहीं होगा, मैं जाके ढूंढता हूँ उन लोगों को। तो दोस्तों दर्शन हो चुका है, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। और आप ये देखो, मतलब कोइंसिडेंस बोलो या मतलब आई डोंट नो हाउ टू नेम इट, बट जब हम लोग आए थे ना, इतना बारिश हो रहा था, गंदगी था पूरा एकदम, जूता बाहर खोलना है तो पैर में गंदगी लग जाएगा, वापस आए तो बिल्कुल देखो धूप हो गया, सब कुछ सूखा हर जगह पे। तो बहुत अच्छा दर्शन हुआ। ऑब्वियसली अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं था, इस वजह से मैंने कुछ वीडियो फोटो बनाया नहीं। बड़ा पॉजिटिव वाइब्स आता है ऐसी जगह पे आने पे। अभी चलते हैं वापस होटल की तरफ, डेढ़ पौने दो घंटा लग जाएगा यहाँ से। तो दोस्तों हम लोगों का हम जो रिजॉर्ट है बनलेखी कॉटेजेस, वो यहाँ से बस 9 किलोमीटर रह गए। मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। देखो ये जो रोड है ना जो हम लोग का कॉटेज तक ले जाता है, तो लास्ट 9 किलोमीटर्स थोड़ा सा सेक्लूडेड है, थोड़ा ये जो अभी लेफ्ट लेफ्ट राइट में हम लोगों को कॉटेजेस वगैरह दिख रहे हैं, यही लास्ट सेटलमेंट है। इसके आगे कोई गाँव वाँव भी नहीं है, सीधा आप ये वाला जैसे ही क्रॉस करोगे तो उसके बाद बिल्कुल खाली सड़क जंगल के बीचों बीच से आप चलते हुए पहुंच जाओगे। ये देखो एक बहुत अच्छा खूबसूरत ब्रिज भी आ चुका है, ब्रिज क्रॉस करके हम लोग लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएंगे। तो दोस्तों आ चुके हम लोग वापस, अभी हाइकिंग चालू हम लोगों का 300 मीटर वाला, जो मैं जाते टाइम भी आप लोगों को बताया था होटल में रिजॉर्ट में पहुंचने के लिए। दिन में कोई दो बार ये वाला ट्रेल कर लेना, हम लोग जैसे आदमी जो लोग सिटी लाइफ में ज़्यादा है इन्वॉल्व है, सिटी में रहते हैं, ये चीज़ आप दिन में दो बार कर लो ना, इसको ऊपर जाओ नीचे आओ, शरीर एकदम फिट हो जाएगा, वेट लॉस भी हो जाएगा, कार्डियो भी हो जाएगा। ये देखो इसी रास्ते से हम लोग ऊपर चढ़ना रहेगा। तो ये रहा हम लोगों का पार्किंग, ऐसे ही रोड पे रखना पड़ता है, यहाँ पर नीचे रखी हुई है। और हाँ जी, हाँ जी मैडम, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यार। अच्छा लग रहा है, बहुत मस्त है। चलते ऊपर, बाएं हाथ का खेल है ना? हाँ, कल तुमसे नहीं चढ़ा जाता, आज पता नहीं क्या हो गया। हाँ ये पॉइंट भी है, कल हम लोग को इसलिए ज्यादा लगा कि हम लोग 7-8 घंटे ड्राइव के भी करके आए थे। ये देखो ऐसा मेक शिफ्ट दरवाजा भी लगा हुआ है, इसको हटाना पड़ेगा। भाई ऊपर आते आते थकान तो हो जाती है, आई नॉट डिनाई, बट नज़ारे देखो, ये नज़ारे देखने के बाद ना सारी थकान दूर हो जाता है। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है इस तरफ, ये देखो दोनों साइड में शेडो है और बीच में सनरेज की वजह से सिर्फ एक छोटा सा पैच में लाइट दिख रहा है। मौसम है ना, अब ऐसे व्यू अगर देखने को मिल जाए क्या ही चाहिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो, हैव अ गुड डे अहेड, बाय बाय।